लेकिन चंदा मैं इसे अपना बेटी नहीं मानता। मैंने तो एक पुत्र ही तो मांगा था तुझसे, लेकिन तूने मुझे एक पुत्र भी नहीं दे पाया। और हाँ, मैं जंगल में मिट्टी खोदने के लिए जा रहा हूँ, तो जल्दी से टोकरी लेकर जंगल पहुँच जाना, और यदि जरा सा भी देरी हुई तो मैं तेरी चमड़ी खींच लूंगा। इतना कहकर कुम्हार अपनी पत्नी पर चिल्लाने लगता है। बेचारी कुम्हार की पत्नी चुपचाप खड़े होकर उसकी सारी बातें सुनती रहती है। इतना सुनकर कुम्हार अपना फावड़ा उठाता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। कहाँ पर खुदाई करो, कहाँ पर करो, हाँ, ये जगह ठीक रहेगी। इतना सोचकर वह कुम्हार वहीं पर मिट्टी खोदने लगता है। कुम्हार की पत्नी एक हाथ से अपनी बेटी को उठाती है और दूसरे हाथ से टोकरी को उठाकर अपने सिर पर रखती है और जंगल की तरफ निकल पड़ती है। आ गई महारानी जी, मुझे तो लगा था कि तुझे आने में बहुत देर हो जाएगी, लेकिन तू तो समय से पहले ही आ गई। चलो अच्छी बात है, चल अब जल्दी से मिट्टी को टोकरी में भर। कुम्हार की यह बात सुनते ही बेचारी चंदा मिट्टी की टोकरी भरने लगती है। कुछ ही देर में चंदा टोकरी भर लेती है और टोकरी उठाकर अपने सिर पर रख लेती है। टोकरी को सिर पर रखने की वजह से अब वो अपनी बेटी को नहीं उठा पा रही थी। कुम्हारी मिट्टी की टोकरी लेकर चली जाती है। बेचारी मासूम बच्ची वहीं पर बैठे बैठे रोती रहती है। तभी उधर से कुछ गाय चलते चलते वहीं पर पहुंच जाती है। छोटी सी बच्ची उस स्थान पर बैठकर रो रही है। ये तो कितनी मासूम बच्ची है, लेकिन इसे यहाँ किसी दुष्ट ने ही छोड़ा होगा। पता नहीं उस दुष्ट को जरा सी भी दया नहीं आई इस मासूम पर। कहीं इसे कोई जंगली जानवर खा जाता तो क्या होता। मुझे लगता है ये बच्ची तो भूखी भी है। मैं ऐसा करती हूँ, जल्दी से इसे अपना दूध पिला देती हूँ। फिर वह गाय अपना दूध उस बच्ची को पिला देती है। दूध पीते ही वह बच्ची शांत हो जाती है। उसके बाद बेचारी वह कुमारी वहाँ पर आती है।
सारी गाय उस बच्ची को अपने साथ ही रखने लगती है। सारी गाय जहाँ भी घास चरने के लिए जाती थी तो साथ में उस बच्ची को भी ले जाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, वह बच्ची उन्हीं गायों को अपनी माँ समझती और उनका दूध पीती तथा उन्हीं के साथ खेलती थी। सोचकर वह लड़की वहीं पर बैठ जाती है। तभी उधर से एक राक्षस शिकार की तलाश में घूमता हुआ उधर को ही आ रहा था। ओहो, आज तो पूरा जंगल घूम लिया लेकिन कोई भी शिकार नजर नहीं आया। पता नहीं आज मुझे कोई शिकार मिलेगा भी या नहीं, कोई पता नहीं। चलो कुछ देर और घूम लेता हूँ। ये सारी बातें सोचते सोचते वह राक्षस वहीं पर पहुँच जाता है। अरे ये कौन है? मुझे लगता है या तो कोई इंसानी बच्ची है। अरे वाह वाह, इसका नरम नरम मांस खाकर तो आनंद ही आ जाएगा। इतना सोचकर राक्षस दबे पांव उस लड़की की तरफ बढ़ता है। तभी पेड़ पर बैठे कुछ कौवे राक्षस को देखकर चिल्लाने लगते हैं। तभी वह लड़की पीछे मुड़कर देखती है। अरे हट हट, अरे हट जा दुष्ट कौवे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे इतनी जल्दी वो लड़की कहाँ चली गई? मुझे लगता है वो लड़की इस गुफा के अंदर ही गई होगी। राक्षस जल्दी से जाता है और गुफा का दरवाजा खटखटाता है। अरे मेरी प्यारी लाड़ो, तुम अंदर क्यों चली गई? तुम दरवाजा तो खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लेकर आया हूँ। अरे मेरी प्यारी बेटी, जरा दरवाजा तो खोल दो। अरे दुष्ट कौवे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर राक्षस कौवे के पीछे भागता है। कौवा जल्दी से वहाँ से उड़ते हुए एक नदी के किनारे पर चला जाता है। तभी वह राक्षस एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और कौवे के ऊपर फेंक कर मारता है। कौवे को पत्थर लगते ही वह घायल होकर नदी में गिर जाता है। अब आई ना अक्कल ठिकाने, बहुत ज्यादा होशियार बन रहा था। चलो अब जल्दी से चलता हूँ, लेकिन अब तो जल्दी ही शाम भी होने वाली है। अब तो उस गुफा में वो सारी गाय आ चुकी होंगी। अब मेरा वहाँ चलना ठीक नहीं होगा। मैं ऐसा करता हूँ, कल सुबह ही मैं उस गुफा के पास जाऊँगा। तब तक वो सारी गाय गुफा से बाहर जा चुकी होंगी। जल्दी से गुफा के पास जाती है। अरे बेटी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारे लिए फल लेकर आ गया। लड़की जैसे ही अपनी माँ की आवाज सुनती है वह जल्दी से दरवाजा खोल देती है और गाय से लिपट कर रोने लगती है। अगले दिन एक भी गाय जंगल घास खाने के लिए नहीं गई। सारी गाय वहीं छिपकर बैठ गई। उधर राक्षस फिर से उस बच्ची का मांस खाने के इरादे से गुफा के पास आता है।
अरे मेरी प्यारी बेटी, जरा दरवाजा तो खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। राक्षस के बार बार बोलने पर भी जब दरवाजा नहीं खुला तो राक्षस को बहुत गुस्सा आया। ओहो, मुझे लगता है तू ऐसे दरवाजा नहीं खोलेगी, अब तो मुझे दरवाजा तोड़ना ही पड़ेगा। राक्षस जल्दी से एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और दरवाजे पर फेंक कर मारता है तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है और राक्षस अंदर चला जाता है। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम कहाँ हो? देखो मैं आ गया। अरे तुम लोग यहाँ पर कैसे आ गई? तुम तो घास चरने गई थी। अबे तुझे अच्छे से बताती हूँ। इतना कहकर सारी गाय उस राक्षस पर टूट पड़ती है। कपिला बहन, मुझे छोड़ दो, आज के बाद मैं इधर कभी नहीं आऊंगा। अरे भगवान, क्या मुझे छोड़ दो। इतना कहकर वो राक्षस वहाँ से भाग खड़ा होता है। बच्ची एक सुंदर कन्या बन जाती है। अब वह रोज जंगल में घूमती तथा पक्षियों से बात करती और झरनों में स्नान करती थी। अब वह जंगल में अपनी गायों के साथ खूब प्रसन्नता से रहती थी। एक दिन की बात है, वह सुंदर लड़की गुफा के बाहर एक शिला पर बैठकर पक्षियों से बातें कर रही थी, तभी उधर से एक राजकुमार गुजरता है। अरे वाह, ये लड़की कौन है? ये तो कितनी सुंदर है, लेकिन ये अकेले इस जंगल में क्या कर रही है? चलो इसके पास चलकर पूछता हूँ। राजकुमार जैसे ही उसकी तरफ जाता है, तभी वह लड़की राजकुमार को अपनी ओर आते हुए देखकर वह जल्दी से गुफा के अंदर घुस जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। अरे इसे क्या हुआ, ये मुझे देखकर भाग चुक गई। बेचारा राजकुमार उदास होकर वहाँ से चला जाता है। क्या बात है बेटा, तुम जब से जंगल से लौट कर आए हो तब से तुम इतना उदास क्यों हो? राजा के पूछने पर राजकुमार राजा को सारी कहानी सुना देता है। पिताजी, मैं इससे प्रेम करने लगा हूँ, यदि वो मुझे नहीं मिली तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। अरे नहीं पुत्र, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं तुम्हारा विवाह उसी के साथ कराऊंगा। अरे सैनिको, जंगल जाओ और उस सिंगल गुफा में एक सुंदर कन्या रहती है, तुम उसे पकड़ कर हमारे पास लेकर आओ। राजा का आदेश होते ही सैनिक जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं और जल्दी ही गुफा के अंदर घुस जाते हैं। अरे ओ लड़की, तुम हमारे साथ चलो, तुम्हें महाराज ने बुलाया है। राजा उससे कई सारे सवाल पूछता है, लेकिन लड़की डर के मारे कुछ भी नहीं बताती। अरे महाराज, आप बिना बेचारी अभी आई है और आप उसके सामने सवालों के पहाड़ खड़े कर रही हैं। चलो बेटी, तुम मेरे साथ चलो। वो लड़की महारानी के साथ चली जाती है। महारानी दिल की बहुत अच्छी थी, वह धीरे धीरे उस लड़की को सारी चीजें सिखाती और बताती है। अब तो वह लड़की कुछ ही दिनों में सभी के साथ घुल मिल गई थी। अरे बेटी,
विवाह बड़े ही धूमधाम से उस राजकुमार के साथ हो जाता है। एक दिन की बात है, वो लड़की अपनी गाय माताओं को याद कर रोने लगती है। तभी वहाँ पर राजकुमार आ जाता है। अरे प्रिय, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें क्या कष्ट है? आपकी माताएं कितनी है महारानी जी? फिर वो लड़की अपनी सारी कहानी राजकुमार को बताती है। अच्छा अच्छा, ठीक है महारानी जी, मैं आज ही आपको आपकी माताओं से मिलवाने के लिए ले चलता हूँ। राजकुमार तुरंत उसे अपने रथ पर बैठाता है और जंगल लेकर पहुँच जाता है। लड़की की आवाज सुनते ही कपिला गाय तुरंत उसकी तरफ देखती है और उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ती है। वो लड़की भी अपनी माता की तरफ दौड़ पड़ती है। दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने